अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अपने चैनल शटर वन पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम केएल आए हैं और केएल में चौकेट में हम शॉपिंग करेंगे अब जीएम सेंटर में। जीएम सेंटर यहाँ की एक बहुत बड़ा सेंटर है जो कि होलसेल मार्केट भी कह सकते हैं। तो जिसने भी मकसद पाकिस्तान जाने के लिए गिफ्ट वगैरह लेने हों, शॉपिंग करनी हो, यहाँ आ सकते हैं। तो हम अपने दूसरे पार्ट का यहाँ से आगाज़ करते हैं, तो चलो चलते हैं, लेट्स मूव। तो चौकट की ये मेन स्ट्रीट है, वन वे है, इस साइड पे बिल्कुल लोग जा रहे हैं और इसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे जाने वालों का रास्ता है। यहाँ पे हर वक्त इतना रश होता है, जैम होती है कि गाड़ी पे आने के लिए बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो अक्सर औकात हम इसी वजह से गाड़ी को ड्रॉप कर देते हैं कि यहाँ पे जैम इतनी ज़्यादा होती है, रश होता है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स इतने होते हैं कि फिर वो बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो इसलिए हम अक्सर औकात ट्रेन को प्रेफर करते हैं। तो ये है जी जीएम प्लाजा, चौकेट का बहुत मशहूर, यानी इसे होलसेल प्लाजा भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ पुसात मेम बोरोंग, बोरोंग का मतलब होता है कि होलसेल, खुली मार्केट। प्लाजा जीएम जी, जिसके बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे हम खड़े हैं और अभी एंटर होते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या माहौल है। तो ये है जी, जैसे हम एंटर हुए हैं इस जीएम में, तो सबसे पहले हमारे सामने आई है एक घड़ियों की शॉप। तो हमने कहा चलो पहले इस यहाँ देखते हैं यहाँ क्या सीन है। तो यहाँ पे जब हम एंटर हुए हैं घड़ियों की शॉप पे, तो अ लॉट ऑफ वैरायटी हेयर, और सही मनों में यहाँ आने का मकसद भी यही होता है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी डिफरेंट वैरायटी मिलती है, जिसमें बड़ी छोटी, बच्चों की छोटे डायल, बड़े डायल, वो स्टेप जो मिलते हैं चेन में मिलती है, हर किस्म की वैरायटी मिलती है और प्राइस भी बहुत मुनासिब होती है। यानी आपको अगर थोड़ी प्राइस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, थोड़ी सी हाई चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो हर किस्म की प्राइस भी यहाँ पे होती है, वैरायटी भी होती है। जैसा कि अब मैंने पूरा आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं हर किस्म की तकरीबन घड़ी मौजूद है, डिजिटल है, सुई वाली है, मैनुअल है, ठीक है जी, हर किस्म की है। और यहाँ पे प्राइस भी बहुत मुनासिब, थोड़ी भी मिल जाती है, हाई भी, ओवर हाई भी, ठीक है जी। और अब मैं आप मेरे साथ साथ चलते थे और मैं दिखाता जाता हूँ। ये देखें, ये बेल्ट्स हैं और ये कुछ मोबाइल्स की शॉप भी हैं और गारमेंट्स हैं, देखें टी शर्ट हैं, दूसरी शर्ट्स हैं, ड्रेस शर्ट, काफ़ी सामान यहाँ पे मकसद मौजूद है। और अब हम आए हैं जी, परफ्यूम का एक बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पे। वैसे भी ये परफ्यूम सेक्शन जो है ना, मेरा बड़ा फेवरेट है, तो मैंने खूब खूब मज़े से इसको जो है विज़िट भी किया, सारा चेक भी किया है वन बाई वन। और यहाँ पे एक खूबसूरत और बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी, जिसको देखने के बाद ज़बरदस्त बहुत मैंने इंजॉय किया और हमने परफ्यूम भी ख़रीदी है। यहाँ पर आपको वैरायटी के साथ साथ बहुत अच्छी किस्म की जो है ना
परफ्यूम भी मिलेगी, और उसके साथ प्राइस जो आपका बजट है तकरीबन उसमें आपको आराम से मिल जाता है, क्योंकि ये एक होलसेल मार्केट है और यहाँ पे आपको बहुत रीजनेबल प्राइस भी मिल जाएगी, हाई प्राइस भी मिल जाएगी, डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। लेकिन ये चूंकि होलसेल है तो इसलिए आपको तकरीबन आपकी मर्जी की प्राइस मिल सकती है। और यहाँ पे अरब अरब परफ्यूम भी काफ़ी पड़े हुए हैं, जो कि जैसे कि इतर होते हैं, इतर की बहुत वैरायटी है। अच्छा, खुले परफ्यूम आपको मैंने दिखाए हैं, वो खुले परफ्यूम भी पड़े हुए हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की बोतल में रिफिल भी कर सकते हैं। तो अरब परफ्यूम भी यहाँ पे काफ़ी हैं जिनके बहुत अच्छी अच्छी खुशबू है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें क्या ज़बरदस्त वैरायटी पड़ी हुई है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अरब परफ्यूम भी ले सकते हैं, इतर भी ले सकते हैं, और दूसरे परफ्यूम जो हैं, जो इंग्लिश परफ्यूम जिन्हें कह लें, वो भी आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे मुकम्मल वैरायटी मौजूद है। तो लीजिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये कॉफ़ी कप लेके आए हैं, कप इसमें कॉफ़ी है। ये इसलिए लेके आए हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है परफ्यूम की, तो आप स्मेल करते हैं तो दो तीन चार एक इकट्ठी हो जाए तो आपको पता नहीं चलता कि ये कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं। तो अगर आपने नेक्स्ट चॉइस करनी है तो आप एक दफ़ा कॉफ़ी को स्मेल करें, फिर उसके बाद जो है दूसरी परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो आपको बिल्कुल उसका प्योर जो है ना, वो खुशबू आपको फील होगी। तो ये ले, जितने भी देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको इस वक्त, जितने भी बड़े और फेमस और एक्सपेंसिव ब्रांड हैं उनकी यहाँ पे रीफिल है हमारे पास, जो कि अब ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसमें डन हिल है, इसमें 212 है, ह्यूगो है, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिसको आप रीफिल करवा सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो ये देखें, पहले चेक करते हैं कि कौन, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे ब्रांड जो ऑलरेडी मैंने दुबई से यूज़ किए हुए हैं, तो मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पे इनकी रीफिल कैसी, तो मैंने चेक की है तो ऑलमोस्ट वही जो है उनकी खुशबू है। तो ये लिए, यहाँ से हमने तकरीबन जो कुछ थोड़ा कुछ सामान लेना था शॉपिंग करने से ले लिया। अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे आपको दिखाते हैं, नीचे देखें जी, ये काफ़ी जो है ना शॉप्स हैं, ये तकरीबन 5 से 6 फ्लोर पे मुश्तमिल ये प्लाज़ा है। यहाँ पे हर किस्म की जो है ना, ये देखें जैसे टॉवल है, बेडशीट्स हैं, और ये है जी लेडीज़ हैंडबैग और पर्स वगैरह, वॉलेट, ये सारा इसी का शोरूम है।
तो इनफैक्ट मैं बता रहा था कि यहाँ पे 7-8 फ्लोर का ये प्लाजा है, और यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की चीज़ें होलसेल में मिल जाती हैं। और ये देखें जी, ये बैग है, और ये मेरा हैंड बैग है। क्लच में देखें कितनी वैरायटी पड़ी हुई है। अब इसको आप पता नहीं क्या कौन सा समझ रहे हैं क्लच की, क्लच प्लेटें नहीं है गेयर बॉक्स की, ये क्लच एक बैग होता है, पर्स होता है, ठीक है जी। हाँ जी, ये खवारी जिसको क्लच कहती हैं। बहरहाल हमें तो अपनी क्लच प्लेटों का पता है कि गियर बॉक्स में क्लच प्लेटें लगती हैं, ठीक। तो ये देखें जी, लॉट ऑफ वैरायटी है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये दो हैं, दोनों में से कोई एक को चॉइस करना है, तो चलो आप भी बताएं। तो आज की वीडियो का यहाँ पे करते हैं जी इख्तिताम। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ये हम आगे स्टेशन पे वापस चलते हैं जी घर के लिए। तो तब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट जब बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।